रोजगार सहायक द्वारा पंचायत के अंतर्गत हो रहे मनरेगा कार्य में फर्जी मास्टर रोल तैयार कर सचिव सरपंच द्वारा शासकीय राशि के गबन किए जाने का आरोप लगाकर दर्जन भर ग्रामवासी व पंच ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंच की शिकायत। दुर्ग जिले के ग्राम तिरगा पंचायत के मनरेगा कार्य व अनेक विषय में सरपंच घासियाराम देशमुख द्वारा लाखों रुपए की भ्रष्टाचार की शिकायत लेकर लगभग 50-100 ग्रामवासी दुर्ग कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपने पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत तिरगा झोला के सरपंच सचिव रोजगार सहायक द्वारा पंचायत के अंतर्गत हो रहे मनरेगा के कार्यों में फर्जी मास्टर रोल तैयार कर शासकीय राशि का गबन किए जाने एवं धारा 40 के तहत सरपंच को बर्खास्त करने पर सचिव पर अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। वहीं 2021-23 में रोजगार गारंटी नहीं किए गए हैं। लगभग 30-35 लोगों का फर्जी मास्टर रोल बनाकर उनके संबंधित बैंक खातों से आहरण कर लिया गया है। इस संबंध में ग्रामीणों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। समस्या तो बहुत सारा है भाई। तो जैसे मूलभूत के अपन पास पैसा आते ग्राम पंचायत में, तो वो मूलभूत के पैसा ला खर्चा ना करके वो रोजगार गारंटी के तहत काम कराते हैं। और दूसरी बात, जिसे अभी विधायक निधि से चबूतरा निर्माण, देवता चबूतरा निर्माण भी आ रही से, तो ओला भी वह रोजगार गारंटी के तहत कर दी। सिर्फ मिस्त्री के पेमेंट करी से वह, बाकी ला तो मजदूर जो लगे रही से ओला मनरेगा के तहत पेमेंट कर दी। और जो हम जैसे पंच हन ग्राम पंचायत के, खुद स्वयं पंच हो में हमारे और पंच मन है, जैसे साल भर से हम पूछा जाते हैं कि हमारे मूलभूत के पैसा जाते जाते कहाँ, हर चीज़ लेते रोजगार गारंटी में काम करा था, कोई प्रस्ताव नहीं ले, जो भी काम है बस अपने मनमानी ढंग से करते हो, ऐसे बहुत सारों का अनियमितता है। क्या नाम है जो, वो सरपंच जी है घसियाराम देशमुख, जो सरपंच है हमारे ग्राम पंचायत तिरगा के, वही पूरा ये काम कर रहे हैं। इतना ज़्यादा अंधेर की तरह हो रहा है, इन लोगों का मनमानी चल रहा है, यहाँ तक के पेरक जो अपन इकट्ठा करते हैं शासन द्वारा पैसा आता है 20,000 रुपये पर मंथ, रोजगार गारंटी के पैसे को उन लोगों को देते हैं, और नाली जो अपना सफाई होता है उसके लिए अपन 40,000 प्लस साल भर में 80,000 आता है, वो दो सभी पैसे को रोजगार गारंटी के माध्यम से पेमेंट करते हैं, बाकी पैसा सरपंच लोग खुद खा जाते हैं। इसका निर्णय, इनको तो जेल होना चाहिए, क्योंकि इन लोग इतना भ्रष्टाचार हो गए हैं, सचिव को भी जेल होना चाहिए, रोजगार सचिव को भी जेल होना चाहिए, सरपंच को भी जेल होना चाहिए। सर, हमारे गांव में मनरेगा कार्य के तहत सरपंच सचिव रोजगार सहायक द्वारा मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर जो कार्य किए ही नहीं हैं उनके नाम से अवैध रूप से पैसा का आहरण किया गया है, जो हमारे मोबाइल ऐप से भी प्रमाणित है और पूरे गाँव वालों के समक्ष प्रमाणित है कि उन्होंने गलत काम किया है। दूसरी बात, पंचायत के जो नियमित कर्मचारी हैं, जो कंप्यूटर ऑपरेटर के पद में हैं, अजय कुमार देशमुख करके नाम एक लड़के का, और एक पंचायत चपरासी के पद में है लक्ष्मण सिंह, ये दोनों पंचायत के नियमित कर्मचारी हैं, इन दोनों के नाम से भी फर्जी दस्तावेज मास्टर रोल बनाकर अवैध रूप से शासन के पैसे को आहरण किया गया है, जो कि पूर्णतः गलत है। एक व्यक्ति दो जगह काम नहीं कर सकता। हम न्यायिक जाँच की मांग करते हैं। आप मीडिया वाले के तरफ से हम सरकार को हम इस बात की हम मांग करते हैं कि गांव में जो इस तरह जो भ्रष्टाचार हुआ है उनकी न्यायिक जांच हो और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और उक्त सरपंच को इस कृत्य से धारा ख के तहत उसको बर्खास्त करने के हम सभी ग्रामवासी आज माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष हम अपने आवेदन प्रस्तुत करने आए हैं, और हमें विश्वास है यहाँ पे हमें न्याय मिलेगा। ब्रांड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।